मध्य प्रदेश की सियासत में इस समय टाइगर की बड़ी चर्चा है। तो अब बात करते हैं सियासत के टाइगरों की। सामान्य तौर पर नेता की आक्रामकता और शक्ति बताने के लिए उसके समर्थक उसे शेर या टाइगर की संज्ञा देते रहते हैं। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहते तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को विंध्य के सफ़ेद शेर मतलब व्हाइट टाइगर की संज्ञा देते थे। उमा भारती जब मुख्यमंत्री थी तो वे अपने एक मंत्री को उसके मिजाज और कार्यशैली की वजह से ब्लैक टाइगर कह देती थी। समर्थक वर्तमान गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को दतिया का टाइगर और कृषि मंत्री कमल पटेल को सतपुड़ा के टाइगर की उपाधि से नवाजते हैं। 2018 में शिवराज सिंह की सरकार चली गई। शिवराज सिंह ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और अपने समर्थकों से कहा घबराए नहीं, टाइगर अभी जिंदा है। शिवराज सिंह को पता था कि कमलनाथ सरकार टपकेगी, इसलिए वे खुद को टाइगर बता रहे थे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुसीबतें बढ़ाने की कोशिश की तो उन्होंने इन दोनों कांग्रेसी दिग्गजों को धूल चटा दी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को चेतावनी के साथ तंज कसा है कि टाइगर अभी जिंदा है। अब एक इलाके मतलब एक पार्टी बीजेपी में दो टाइगर जिंदा हो गए, एक शिवराज सिंह और दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया। टाइगर हैं तो संभव है इनमें भविष्य में टेरिटरी को लेकर विवाद भी हो, क्योंकि टाइगर की फितरत है वो अपने इलाके को तय करता है और जो टाइगर दमदार होता है वो अकेला उस पर राज करता है। ये हुई जंगल की बात। हम थे सियासत पर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट में लिखा है कि जब शिकार प्रतिबंधित नहीं था तब मैं और श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी शेर का शिकार किया करते थे। इंदिरा जी के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लाने के बाद से मैं अब सिर्फ शेर को कैमरे में उतारता हूँ। दिग्गी राजा का निशाना महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही है, लेकिन दिग्विजय सिंह फिलहाल ये भूल गए कि अभी तो सिंधिया शेर पर सवा शेर साबित हो रहे हैं। राजनीति जिस दौर में है वहाँ कई टाइगर आते जाते हैं और इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। उपचुनाव है तो तमाम सारे बिना पूंछ और बिना मूंछ के टाइगर आपको दहाड़ते हुए नजर आएंगे। किसी ने एक सियासी कविता भेजी है, चलने से पहले आपकी नज़र। पोहरी से यदि सुरेश लड़े तो प्रहलाद क्या करेंगे और क्या करेंगे जयवान सिंह जब प्रद्युम्न पर्चा भरेंगे। जसवंत जब लगने लगेंगे भाजपाइयों को ठीक तो क्या करेंगे राजकुमार और रमेश खटीक। भाजपाई होकर डबरा से जब चुनाव लड़ेंगी इमरती, भाजपाई पूछेंगे शिवराज से इसकी कैसे हो गई भर्ती। ग्वालियर के भाजपाइयों को तब होगा कितना मलाल, ताल ठोक के चुनाव लड़ेंगे जब वहां से मुन्ना लाल। सुर्खी में जब कमल चिन्ह से लड़ेंगे गोविंद राजपूत, वहां के भाजपाइयों का भी उतर जाएगा भूत। भाजपाई होकर तुलसी भैया लड़ेंगे जब सांवेर से, विरोध तो वहां भी होगा हो भले ही देर से। सांची के भाजपाई भी करेंगे काम तमाम, भाजपा के टिकट पर जब चुनाव लड़ेंगे प्रभु राम। ता उम्र जो भाजपा के लाश जोशी ने पोसी, कैसे चुप बैठेंगे उनके पुत्र दीपक जोशी। बामोरी में भी बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को खो दिया, जब चुनाव लड़ेंगे वहां से महेंद्र सिंह सिसोदिया। 24 सीटों पर लड़ेंगे जब सिंधिया जी के शिष्य, सोचो तो भाजपाइयों का फिर क्या होगा भविष्य। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।